नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत कुछ है। दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर, क्या शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है? क्या टेट परीक्षा नहीं होगा? क्या जेटेट पास वाले को ही मौका मिलेगा शिक्षक नियुक्ति में? तो इस न्यूज़ को मैंने पढ़ा और बहुत सारे सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। मैंने सोचा कि ये न्यूज़ सही में गलत है या सही है, और ये न्यूज़ कहाँ तक सही है। मैंने पूरी पड़ताल की और इस नतीजे तक मैं पहुँचा हूँ, और आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, 5 साल पूर्व जेटेट पास 58,000 अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति, ये न्यूज़ छपा था दोस्तों 2/1/2021 को दैनिक भास्कर में छपा था। मेरे पास बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसे मैसेज कर रहे हैं लोग। तो मैंने पड़ताल किया तो ये मुझे पता चला। अब देखिए, मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर न्यूज़ में क्या है और किस तरह कहा गया है और क्या कुछ है, सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ छपा गया दोस्तों, ये न्यूज़ था और ये न्यूज़ है कि 5 साल पूर्व जेटेट पास 58,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, ये लिखा गया है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि खाली पदों का विवरण सीएम के पास भेजा गया, ठीक है। पहले इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा गया है। 5 साल पहले जेटेट पास 58,000 अभ्यर्थियों को इस साल नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2016 में जेटेट पास की परीक्षा पास की थी, लेकिन अब तक इसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का विवरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। विभाग ने बताया कि वर्तमान में शिक्षकों के 39,408 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति जरूरी है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों के लिए 71,911 नए पद स्वीकृति देने की आवश्यकता है। सीएम की सहमति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होंगी। इसके पूर्व 2013 में सफल 55,000 जेटेट अभ्यर्थियों से करीब 17,000 लोगों की नियुक्ति हुई थी। हाई स्कूल में 8,000 और प्लस टू में 1,400 शेष प्राथमिक विद्यालयों के लिए इनकी बहाली हुई थी। वर्तमान में करीब 1,00,000 जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जिनकी मान्यता पूर्व में 5 साल के लिए था, जिनमें 2 साल बढ़ाया गया था। अब इसे 2 साल बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2016 में पास जेटेट अभ्यर्थियों ने लॉकडाउन में मोराबादी में धरना प्रदर्शन किया था। पहली से आठवीं तक स्कूलों में 22,728 पद रिक्त है, ये सब ब्यौरा दिया गया है। और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विभाग ने दी ये जानकारी, 39,408 पद रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए। और यहाँ देखिए, खाली पद हाई स्कूल व प्लस टू स्कूलों में, ठीक है। यहाँ पर 16,680 खाली है हाई स्कूल में, 35,517 इंटर प्रशिक्षित शिक्षक एवं स्कूलों में कार्यरत हैं, और ये सब लिखा गया है। तो ये जो न्यूज़ छपा है, इसके कारण बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारा प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है। जो भी जेटेट पास नहीं किए हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं, हम लोगों का तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं इस न्यूज़ का सच आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो न्यूज़ है, देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। गुड न्यूज़, खाली पदों का विवरण सीएम के पास भेजा गया, ठीक है। ये खाली पदों का विवरण सीएम के पास भेजा गया है, मतलब सीएम के पास तो बहुत सारी चीज़ें जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे बहालियाँ होने रहती है, सारे जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो भी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें जो सीएम के पास भेजी जाती है, तो ब्यौरा भेजने के बाद भी कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, 5 साल पूर्व जेटेट पास 58,000 अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति, ये कहा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि सरकार जो नियमावली है उसको ही नहीं बनाई है, और नियमावली जो है शिक्षकों को नियुक्त करने का जो नियमावली है वो ही नहीं बनी है। वो नियमावली जो बन रही है, सरकार का कहना था कि हम JSSC के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू शिक्षकों की बहाली करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंटों का कहना है कि डायरेक्ट बहाली होगा, तो यहाँ पर कैसे ये छाप दिया डायरेक्टली कि 5 साल पूर्व जेटेट पास 58,000 अभ्यर्थी की होगी नियुक्ति। और यहाँ पर कोई ऐसा, मतलब कि बताया नहीं गया है, पूरी तरह से यहाँ पर नहीं बताया गया है कि बहाली
और यहाँ पर देखिए पूरा कंफर्म नहीं किया गया है कि बहाली होने वाली है या नहीं, ठीक है, होगी, यहाँ पर देख सकते हो होगी, अब पता नहीं कब होगी, मतलब होगी का मतलब आप समझते हो कि पता नहीं कब होगी, आज होगा कि कल होगा कि परसों होगा, होगा जहाँ आ गया, मतलब ये फ्यूचर टेंस में कभी भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही से होने वाला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम लिया जाना है या शिक्षकों की बहाली होनी है उससे पहले जे टेट हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कंफर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर पेपर को क्या बोले वायरल करने के लिए ये सब न्यूज़ छापा जाता है मेरे भाइयों, आप लोग बात को समझो, लेकिन फिर भी आप लोग जो भी जितने छात्र हैं जो कि जे टेट पास नहीं है वो लोगों के लिए ये एक संदेश है और मैसेज है कि आप लोग सतर्क हो जाओ वरना ये जो बहाली हो जाएगी और लटके रह जाओगे, ठीक है। तो बाकी बात आपको क्या करना है आप लोग समझिए, बाकी बात मैंने जो करना था आरटीआई तो कर दिया है और ये आज जैक ऑफिस पहुंच गया है और क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और जो भी चीज़ें हैं आरटीआई करना है आपको भी तो सबको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे किया जाता है, तो सभी आरटीआई कर दीजिएगा और जिस विभाग में भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ पर आरटीआई कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे घबराए नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि नियुक्ति होगी, अब यहाँ पर बहुत दिनों से ये भी कहा जा रहा था कि इतने इतने इंजीनियरों की भर्ती होगी, इतने असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती होगी, 15,000 नियुक्तियाँ होंगी, 17,000 नियुक्तियाँ होंगी, अभी तक कुछ हुआ है? अभी तक कुछ हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कह देने से सिर्फ नहीं हो जाता है, इसके पीछे बहुत सारा चीज़ है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह सब भी होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब है कि सिर्फ कह देने से कि इतना हज़ार नियुक्ति हो जाएंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। आप जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मंत्री बने हैं तब से अब देखे होंगे पेपर में कि कभी आता है 23,000 पदों पे नियुक्ति का रास्ता साफ, कभी आप देखिएगा 3,500 JVNL में पदों में नियुक्ति का रास्ता साफ, 23,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली होंगी, 79,000 टीचरों की बहाली होंगी, इस प्रकार का न्यूज़ आप लोग हमेशा देखते होंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो बात है दोस्तों बस ये पेपर में है और इससे आपको सचेत हो जाना है, जो भी छात्र जेटेट पास करना चाहते हैं और शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं वो लोग ये सब देख लेंगे, और बाकी बात आपको क्या करना है ये आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने देखा है फेसबुक में इंस्टाग्राम में आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे छात्र 200 करीबन 200 छात्र जेटेट करवाने के पीछे आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग का क्या इस बारे में कहना है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।